नमस्कार, मैं वैद्य अविनाश और मैं आज बिश्रामाव जो उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में आता है वहाँ पर हूँ। और ये जो खेत है, जिस खेत में हम लोग खड़े हैं, ये बहादुर भैया का खेत है जो 2 तारीख को यहाँ पर जैविक प्रोडक्ट का जो है वो छिड़काव हुआ था। और आज 22 तारीख है और इतने दिनों में हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि ये फले जो हैं, ये आप देख रहे होंगे कि ये दाने जो हैं फल नहीं है, फूल नहीं है, पक करके दाल बन चुकी है। ये चीज़ें हैं और जो कि अभी तक बहुत सारा जो क्षेत्र है वो अभी फूल के लिए ही तरस रहा है, लेकिन यहाँ पर फसल कट रही है। तो मैं बहादुर भैया आपसे थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लेना चाहूँगा। आप इस साइड में आए, मैं कहाँ जानकारी दे, तो ये बताएं कि कब डाला था और कैसा लगा आपको ये? अरे दो तो डाला था मैंने 15 दिन पहले। जी, अब एकदम रिजल्ट मेरा बढ़िया आया है, बहुत शानदार रिजल्ट आया है। देख रहे हैं पूरे फसल ही फसल है, ये आ रही है, केवल छियाँ आ रही हैं, पूरी भरी पड़ी है। आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा रिजल्ट आया। क्या नाम है आपका? दीपू। दीपू, ये बहादुर भैया के छोटे बच्चे हैं, इनका नाम दीपू है। और दीपक से तो हम लोग लास्ट टाइम मिल चुके थे। हाँ दीपक, बताएं कैसा रहा आपका फसल? शानदार है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, बहुत शानदार रिजल्ट मिला है। जैसा पेपरमेंट भी देख रहे हैं वो भी तैयार हो रहा है, 15 दिन के बाद ये भी निकलने वाला है। तो कहने का मतलब है कि फसल जो है वो तैयारी नहीं हो रहा है, समय से पहले तैयार हो रहा है। अब यहाँ पर हम धान का जो आगे का प्रोसेस है वो तैयार कर सकते हैं, लेकिन कितने खेत हैं जो कि अभी तक वहाँ पर ये फूल भी नहीं आई है और वो इंतज़ार में है कि फूल आएगा फिर हम उसका फसल लेंगे। ठीक है नीरज, और कुछ बताएंगे आप? जैविक के विषय में हम सबको जागृत करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जैविक का खेती करें। खेती करें। ठीक, थैंक यू।